बीजेपी चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ने जा रही है, क्योंकि बीजेपी किसी तरह का नुकसान जो है वो झारखंड में नहीं उठाना चाहती है। चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट दे सकती है, वो कौन सी सीट होगी उस पर चर्चा चल रही है। देखिए, जिन लोगों को ये लग रहा था कि चिराग पासवान को झारखंड में बीजेपी भाव नहीं देगी, तो हम बता दें, हमने पहले भी कहा था कि चिराग पासवान ने भी सख्त तेवर अपना लिया है, और चाहे गठबंधन हो या ना हो, चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ेगी। लेकिन पहले खबर आई थी कि बीजेपी सिर्फ आसू और जेडीयू के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन जब चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की, उसी दिन ये तय हो गया था। देखिए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखलाई थी कि बीजेपी चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ने जा रही है, क्योंकि बीजेपी किसी तरह का नुकसान जो है वो झारखंड में नहीं उठाना चाहती है। और सिर्फ देखिए, बात झारखंड की नहीं है, चिराग पासवान जितने मजबूत होकर उभरे हैं, जितनी उनकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को भी मिस नहीं करना चाहती है बीजेपी, या चिराग पासवान को नाराज नहीं करना चाहती है बीजेपी। कल देखिए, कल अरुण भारती और राजेश वर्मा दोनों ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से मुलाकात की, और आज जो तस्वीर सामने आई है वो देखिए, खुद चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पर डाली है कि आज उनकी मुलाकात भी हेमंत विश्व शर्मा से हुई है, और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि झारखंड चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। तो देखिए, लगभग ये तय माना जा रहा है कि झारखंड में अब बीजेपी जो है एलजेपीआर से भी गठबंधन करेगी। हालांकि एलजेपीआर की ओर से 2 सीटों की मांग है, लेकिन जो जानकारी है कि बीजेपी उन्हें एक सीट दे सकती है, चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट दे सकती है, वो कौन सी सीट होगी उस पर चर्चा चल रही है। देखिए, चिराग पासवान को मनाने की कोशिश लगातार चल रही है बीजेपी के तरफ से कि किसी भी कीमत पे चिराग पासवान नाराज होकर अकेले चुनाव नहीं लड़े। अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ इससे झारखंड में असर पड़ेगा, क्योंकि एनडीए का वोट बटेगा, और एनडीए का वोट बटेगा तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को इसका फायदा होगा। तो बीजेपी ये नहीं करना चाहती है, हर हाल में झारखंड में इस बार बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जेडीयू भी लगातार ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन जेडीयू को भी मनाने की कोशिश चल रही है। आसू से लगभग तमाम सीटों को लेकर बातचीत जो है वो फाइनल स्टेज पे है, और कुछ ही दिन में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन बीजेपी किसी भी सहयोगी को नहीं छोड़ती है, और न सिर्फ झारखंड की बात है, अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ जाते हैं तो न सिर्फ इसका नुकसान झारखंड में होगा, बल्कि देश लेवल पे भी मैसेज जो है वो गलत जाएगा। गलत इसलिए जाएगा क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, 5 सांसद हैं, और जो अभी नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति है वो आप जान रहे हैं कि सहयोगियों के बदौलत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर हमारा किसी राज्य में गठबंधन नहीं भी होता है तो इसका असर केंद्र में नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, मन में खटास आती है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, ये बात बीजेपी भी जानती है और ये बात चिराग पासवान भी जानते हैं। तो बातचीत का दौर जारी है और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में तमाम चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक सीट पर लगभग बात फाइनल हो गई है।